ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें एक क्षण के लिए भी अपने घर में नहीं रख सकता। और हाँ, यहाँ दोबारा आने का साहस कभी मत करना। किंतु इसका अपराध क्या है? अरे इसने किया क्या है? अरे स्वामी पूछो तुम लोग इसको लक्ष्मी से। ऐसा मत करिए स्वामी, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। अवश्य ही आपको कोई भ्रम हुआ है। भ्रम हुआ है? तुम सारी रात्रि घर से बाहर रही और कहती हो कि मुझे भ्रम हुआ है? अरे तुम जैसी चरित्रहीन स्त्री को मैं अपने घर में नहीं रख सकता। मैं तुम्हारा अभी त्याग करता हूँ। मैं वर्षा और अंधड़ के कारण अपने बहन के घर में रुक गई थी। मैंने कोई पाप नहीं किया स्वामी, मैं पूर्णतया पवित्र हूँ, माता सीता की भांति। होगी तुम माता सीता की भांति पवित्र, किंतु मैं राजा राम नहीं हूँ। पत्नी के प्रेम में राजा राम तो दुर्बल हो गए हैं। जो महीनों भर पर पुरुष के यहाँ रही, अपनी स्त्री को पुनः स्वीकार कर लिया है, किंतु तुम मुझे राजा राम की भांति दुर्बल समझने की भूल मत करना। और चली जाओ यहाँ से। कौन हो तुम? लंकेश दशानन रावण। स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए ना, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। छल से या बल से किसी की भी पत्नी का हरण कर सकते हैं हम राक्षस। एक राजा की मर्यादा ही उन्हें मेरी ओर देखने से, मुझे अपनाने से रोक रही है। मैं इतने समय राक्षस राज रावण के बंधन में रही हूँ, किंतु मेरे स्वामी श्री राम भी ये जानते हैं। इतने समय उनसे दूर रहकर भी मैं पूर्ण पवित्र हूँ। अयोध्या नरेश, श्री राम ये कभी नहीं चाहेंगे कि भविष्य में कभी भी कोई उनकी पत्नी के चरित्र पर संदेह करे। यही दुविधा है मेरे श्री राम के मन में। जिस प्रकार तन तन मन मन धन से धन से धन से मैंने अपने स्वामी को अपने हृदय में रखा, हृदय में रखा, हृदय में रखा, उसी प्रकाशी प्रकाशी प्रकाश हे स्थिर अग्नि, स्थिर अग्नि, स्थिर अग्नि। मैं सीता अपना पतिव्रत धर्म पालन करते हुए अपनी देह आज मैं आप में समाहित करती हूँ। आप लोगों की सेवा का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, उसे मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा और सदैव चेष्टा करता रहूंगा कि आप सभी की दृष्टि में एक योग्य राजा बनूं। हे कुल देवता, मुझे वरदान दें कि मैं सदा अपनी प्रजा के प्रति सेवा भाव से समर्पित रहूं। मैं आपको वरदान देता हूं कि इन्हीं आदर्शों पर आप अपने राज्य को आधारित करने में सक्षम होंगे।
होगी तुम माता सीता की भांति पवित्र, किंतु मैं राजा राम नहीं हूँ। पत्नी के प्रेम में श्रीराम तो दुर्बल हो गए हैं। जो महीनों भर पर पुरुष के यहाँ रही, अपनी स्त्री को पुनः स्वीकार कर लिया है, किंतु तुम मुझे श्रीराम की भांति दुर्बल समझने की भूल मत करना और चली जाओ यहाँ से। नहीं स्वामी। इस कठिन परिस्थिति में मेरा हनुमान भी मेरे साथ नहीं है। आपने अभी तक मुझे पूर्ण सच्चाई से अवगत नहीं कराया। बहुबाहुसुर किस शर्त की बात कर रहा था? देखिए, यदि आप निर्दोष हैं, तो आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्य क्या है बताइए मुझे। ये शर्त मैंने ही रखी थी। पिताश्री की मृत्यु के पश्चात मैं रक्तरोम के चुंगल से बच के निकल गई, और उसके पश्चात पिताश्री के मित्र गंधर्व सुषेण जी से सहायता ली, उनसे याचना की, आप तो मेरे पिताश्री के मित्र हैं, मेरी सहायता कीजिए, बताइए मैं क्या करूं? तुम्हारी सहायता प्रभु श्री राम के भक्त संकट मोचन महाबली हनुमान ही कर सकते हैं। तुमने भाग कर बहुत बड़ी भूल कर दी ना कन्या, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। रक्त रोम पर विष दंत का प्रहार। मेरे विष का तो इस दुष्ट पर कोई प्रभाव ही नहीं हुआ। कन्या, तुम कोई अहित नहीं कर पाओगी। रक्त रोम का अपनी ना को हां में परिवर्तित करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है तुम्हारे पास। तो बोलो ना कन्या, करोगी ना रक्त रोम से विवाह? भय के मारे मेरी बुद्धि भी कुंद हो गई थी, मुझे कुछ नहीं सूझा और मैंने हाँ कर दी। अच्छा है नाग कन्या, अन्यथा इस रक्त रोम के पास तुम्हारी नाक को हां में परिवर्तित करवाने के लिए अन्य उपाय भी थे। किंतु मेरी एक शर्त है। आश्चर्य है, तुम्हें अब भी लगता है कि तुम रक्त रोम के समक्ष कोई शर्त रखने की परिस्थिति में हो? दुर्बल नागो, और मेरे पिताश्री का वध करके, एक स्त्री को विवश करके स्वयं को वीर समझते हो? यदि इतने ही शक्तिशाली हो तो हनुमान को परास्त करके दिखाओ। तब विवाह करूंगी मैं तुमसे। हनुमान, वो तो मेरा शत्रु है, उसे तो मैं वैसे भी यमलोक पहुंचाने वाला हूं। नाग कन्या, रक्त रोम को तुम्हारी ये चुनौती स्वीकार है, किंतु तुम्हें भी मेरी एक शर्त स्वीकार करनी होगी। तुम्हें उस वानर हनुमान को रक्त रोम के समक्ष यहां लाना होगा। बोलो ना कन्या, करोगी नहीं? तो अब मैं समझा कि ये सब क्या था। मुझे मेरी भूल का आभास हो चुका है, मुझे क्षमा कर दीजिए।
मुझे आपको इस प्रकार यहाँ नहीं लाना चाहिए था। आप चाहें तो लौट जाइए, मैं रक्तरोम को संभाल लूंगी। तुम्हारी ये दशा कदाचित ये उस नाग कन्या ने तो नहीं किया है। कोई अशुभ समाचार लेकर यहां तो नहीं आए हो तुम? किसी भी योग्य नहीं हो तुम। अब इस रक्त रोम को स्वयं ही आगे आना होगा नाग कन्या, और उस वानर हनुमान को भोगना होगा परिणाम। हे रक्त रोम करेगा सबको हो। संकट में किसी की सहायता ना करना अधर्म है, और किसी के अधर्म को सहना भी अधर्म है। अब हनुमान का धर्म है आपकी सहायता करना। हनुमान उस राक्षस को आपसे विवाह नहीं करने देगा। विवाह तो नाग कन्या का रक्त रोम से ही होगा, किंतु उसके पूर्व मैं तुम्हें यहां से विदा करूंगा, वो भी सीधे यमलोक की ओर। बहुत समय से व्याकुल थे मेरे ये हाथ, तुम्हारे अंत के लिए। व्याकुल तो मैं हो रहा था रक्त रोम तुम्हारी प्रतीक्षा में। तुम्हारे कारण बहुत समय से मुझे अपने प्रभु की सेवा के सुख से वंचित रहना पड़ा। माता सीता एवं प्रभु के एक साथ दर्शन नहीं कर पाया आज, जो मुझ जैसे भक्त के लिए बड़ा ही कष्टकारी है। दुष्ट, प्रजा का यह दृष्टिकोण मेरी कल्पना से भी परे है। मैंने तो कभी यह सोचा भी नहीं था कि प्रजा के ऐसे विचार होंगे, मेरे बारे में ऐसा भी सोच सकती है प्रजा। इत शठ पे क्रोधित कपिराई, उत आहत प्रजा से रघुराई। लोचन मह अंगारे भड़के, दो ओर दामिनी तड़के। अनुज खड़े सबहू भयभीता, देखी दशा अग्रज स्तब्धा। इत पीड़ित अकुपित श्री राम, रोष में उत महाबली हनुमाना। राज्य में वैदेही के प्रति कोई ऐसे विचार भी रख सकता है, ऐसा तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था।
भाभी माँ और आपके प्रति ऐसे विचार रखने वाले को अयोध्या में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं भैया। मैं स्वयं उसका वध करूंगा। किस किस का वध करोगे लक्ष्मण? किस किस का वध करोगे? जो भी मुझे दोषी मानते हैं क्या तुम उन सभी का वध करोगे? हमारी ही तो प्रजा है। किंतु उसने अपमान किया है आपका और भाभी माँ का। लक्ष्मण, अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता ही प्रजातंत्र की नींव होती है। किसी को उनके विचारों के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। भैया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं कि कोई किसी के चरित्र पर उंगली उठा दे। अनुचित कृत्य करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए। उचित और अनुचित की अपनी अपनी परिभाषा होती है। जो हमारी दृष्टि में अनुचित है किसी और की दृष्टि में वो उचित भी हो सकता है। फिर तो भाभी माँ के द्वारा अपनी पवित्रता को प्रमाणित करने के लिए दी गई अग्नि परीक्षा का भी कोई अर्थ नहीं रह गया। अग्नि परीक्षा लंका में हुई थी, जिसे उन सब ने मात्र सुना है, देखा नहीं। जिसे देखा नहीं उस पर विश्वास ना करने का अधिकार है उनका। और हम राजा नहीं, सेवक हैं प्रजा के। उनकी भावनाओं, उनके विश्वास का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हमारी भी तो भावनाएं हैं भैया। लक्ष्मण, मैं एक भाई या पति ही नहीं, एक राजा भी हूं। और एक राजा के लिए प्रजा सर्वोपरि है। इन परिस्थितियों में यदि मैं अपनी भार्या का साथ देता हूं तो मुझे राजपद छोड़ना होगा। और यदि राजपद के साथ बने रहता हूं तो क्या भैया, क्या आप भाभी माँ को? तो क्या भैया, क्या आप भाभी माँ को? छोड़ना पड़ेगा। तोड़ना पड़ेगा पति पत्नी के बीच का अटूट पवित्र बंधन। कच्चे धागों का अटूट बंधन होता है विवाह रक्तरोम। पवित्र संबंधों का गठजोड़ है विवाह, ना कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए की गई मात्र एक संविदा, वो भी वधु की इच्छा के विरुद्ध। ये जघन्य कृत्य ही नहीं, एक महापाप है। रक्तरोम, ये जघन्य कृत्य करने का तुमने सोचा भी तो कैसे? जघन्य कृत्य मान। महाबली रावण का संहार, विशाल काय कुंभकर्ण का वध, निकुंभ का वध, क्या ये सब के सब जघन्य कृत्य नहीं किए थे तुम्हारे प्रभु राम ने? समय आ गया है जब तुम्हारे हर कृत्य का प्रतिफल चुकाना होगा। तुम्हें और उस राम को। वो संहार प्रतिफल ही था उन सबके कुकृत्यों का जो उन्हें चुकाना पड़ा। जो उन्होंने अधर्म किए, दुष्कृत्य किए, उसी का परिणाम भोगना पड़ा था उन्हें। प्रभु को यह संहार करना पड़ा था धर्म की स्थापना के लिए।
धर्म की स्थापना के लिए अनेक बार ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो सामान्यतः अनुचित प्रतीत होते हैं, क्योंकि धर्म सर्वोपरि है और राजधर्म उससे भी बड़ा। भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे ये सिंहासन नहीं चाहिए, सीता चाहिए। सीता राम का जीवन है, राम की प्रेरणा शक्ति है सीता। मैं सीता को नहीं त्याग सकता, अपनी जीवन संगिनी को नहीं त्याग सकता मैं। अतः मुझे इस राज सिंहासन के बंधन से अवश्य मुक्त होना पड़ेगा। प्रभु श्री राम होते तो एक पर स्त्री को बलपूर्वक विवश करने के लिए अब तक उन्होंने तुम्हारा संहार कर दिया होता, जैसे उन्होंने रावण का संहार किया था। किंतु अब उनका सेवक, उनका भक्त हनुमान तुम्हें दंडित करेगा तुम्हारे अधर्म के लिए। बहुत बलवान समझते हो ना स्वयं को, तो दिखाओ, दिखाओ अपना बल रक्त रोम को। जय श्री राम। वानर, परिस्थिति व्यक्ति को कठोर निर्णय लेने पर बाध्य कर देती है। यही समय होता है व्यक्ति की कठिन परीक्षा का।